आज जिन ड्रग पेडलर्स को एनसीबी ने अरेस्ट किया उनमें से एक ने अपना मुंह खोला है और रिया की गैंग से इन ड्रग पेडलर्स से कौन डील करता था इसका भी खुलासा हुआ है। आपको बता दें कि कुछ ही देर पहले एनसीबी ने दो ड्रग पेडलर्स को अरेस्ट किया था जिसमें एक की वीडियो काफी वायरल हुई थी। इस ड्रग पेडलर ने अपना मुंह छिपा रखा था और कहा जा रहा था कि यही वो ड्रग पेडलर है जो कि बॉलीवुड इंडस्ट्री के सुपरस्टार्स को ड्रग्स पहुंचाता है। एनसीबी ने अपनी पूछताछ शुरू कर दी है और इनिशियल पूछताछ में इस ड्रग पैडलर ने बताया है कि रिया की गैंग में से शौविक चक्रवर्ती से उनकी बात होती थी, उन्हीं को वो ड्रग्स दिया करते थे। अब ये ड्रग्स कौन से ड्रग्स थे, कितने ड्रग्स थे, क्या बल्क डील हुआ करती थी, क्या शौविक ये ड्रग्स लेकर कहीं और भी देता था, कितनी कितनी मात्रा में ये ड्रग्स कब कब लिए गए हैं, अब इन सब के खुलासे होने बाकी है। इसके साथ ही कहा जा रहा है कि ये जो ड्रग पैडलर है ये बॉलीवुड इंडस्ट्री के काफी सुपरस्टार्स के टच में है, ऐसे में बॉलीवुड के कई सेलिब्रिटीज के नाम अब इस पूरे मामले में आ सकते हैं। माना जा रहा है कि बॉलीवुड के अंदर जो ड्रग्स वाला जो सर्कल है उसमें अभी काफी खलबली मची हुई है, अपने आप को बचाने की होड़ मची हुई है और मामले को घुमाने के लिए, गुमराह करने के लिए अब नई चाल इंडस्ट्री चलने जा रही है। कहा जा रहा है कि फिलहाल इन ड्रग पैडलर्स से और भी बातें उगलवाई जाएगी, रिया चक्रवर्ती के लिंक की बात की जाएगी और अगर कुछ अहम चीज सामने आती है या कुछ अहम सुराग मिलते हैं एनसीबी को तो फिर शौविक और रिया की गिरफ्तारी पक्की।